जिसे आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है और जो आपके मुद्दों की करता है बात, ये वही शो है जो आज यहाँ पे जामनगर में मौजूद। बहस का जो पहला सेगमेंट था, हिंदू मुसलमान से लेकर तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और कई मुद्दों को उठाया गया। जी मैं आ रहा हूँ। जी आप आ गए नए। जी क्या नाम है आपका? ब्लॉच साजिद। जी साजिद भाई, बीजेपी वाले पार्षद ने बोला कि हाँ। बीजेपी जीत के कैंडिडेट को टिकट देती है। हाँ। तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, ऐसा वो कहते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बात को रखता हूँ। यहाँ के एमएलए दो बार जीते हुए थे, हकुबा जाडेजा, इस बार जीतने वाले नहीं थे कि टिकट काटा? पूछो उसको भाई। एक बात बताइए, काटा टिकट? हारने वाले को टिकट मिलेगी कि जीतने वाले को मिलेगी? हारने वाले को टिकट नहीं मिलती, जीतने वाले को टिकट मिलेगी। भाई ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है साजिद भाई, ये वो तय करते हैं कि मुझे इनको देना है, इनको नहीं देना। इन्होंने तय किया कि 75 साल उम्र हो जाएगी तो कोई रिटायर हो जाएगा, तो ये इन्होंने तय किया। ये आप अपनी पार्टी में तय करिए और तय करके लाइए, मैं मान लूंगा आपकी बात। जनता की सुनने हैं, जनता की एक बात तो सुन लीजिए। आओ अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? भावेश। भावेश, काम हो गया वाला जो जरूरी काम था? हाँ हो गया। हो गया? हो गया। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं कोई क्या? चलो आओ भावेश भाई। हाँ। बताओ क्या बात है? बस मेरा सवाल ये है सरकारों से कि आने वाले चुनाव के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो फिर देश में अभी आने वाली मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, उसके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? क्योंकि ये मुद्दे तो अहम मुद्दे हैं, और तो और जो मंदी आने वाली है उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए ना सरकार को। भावेश भाई, ये गुजरात का ही 23 साल का बच्चा सवाल पूछ सकता है आपका। मैं आपको मैं सलाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपको देश की चिंता है और इतनी बड़ी बात कही आपने। इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बहुत शुभेच्छा, बहुत आपको शुभकामनाएं, ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। काम क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल मतलब अभी नौकरी छूट गई है, अभी दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं? घर में कौन? नहीं, बेरोजगार नहीं है सर, ये ढूंढ रहा है। जब तक ढूंढ रहा है इसकी हिम्मत पे मुझे गर्व है। तो ये मुझे बताइए, घर में कौन कौन है? घर में माँ है, पिताजी हैं और दो भाई हैं और दूसरे मतलब ठीक है। भाई भाई कुछ काम करते हैं? हाँ भाई काम करते हैं ना। भाई काम करते हैं, पिताजी? हाँ वो भी काम करते हैं। जी वो काम करते हैं। आपको उम्मीद है कि काम नौकरी मिल जाएगी? हाँ उम्मीद है, उम्मीद करने वाले ही हमेशा जीतते हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, कहा जाता है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। यही असली गुजरात है, यही गुजरात का मॉडल है बाबूजी। दुनिया भर ढूंढते रहिए आप, यही मॉडल है। बोले उम्मीद, लास्ट लाइन जो बोली ना बस भावेश भाई, मैं तुम्हारा मुरीद हो गया। मुरीद का मतलब समझते हो? मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। शुक्रिया भाई। जब आप कोशिश करेंगे तभी तो आपको फल मिलेगा। अब आप बैठे रहिए घर में तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई कैसे हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? आशीष लखिया। आशीष लखिया, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरी खेती है गांव में। हाँ? हाँ, गांव से आप सब जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना है? वो शहर वाले हैं। हाँ? गांव वाला एक कुछ बताना चाहता हूँ। अंदर आओ, बीच में एकदम बीच में। हाँ अब बोलो, गांव का क्या है? जो गांव में पहले है ना मुश्किल होती थी पानी की, बीजेपी सरकार आई बहुत पानी मिला। मेरे बाजू में रजनी सागर है, तो पूरा जामनगर है ना भैया, एक नल से पानी पी सकता है, नर्मदा में पानी आता है डायरेक्ट में। दरिया गांव, आपको जो भी चाहिए। नहीं आवे बाबू, नहीं आवे, लकी जाऊ कहीं नहीं थे। ना आवे, ना आवे बाबू, नहीं कहीं नहीं थे। कॉर्पोरेशन में आता है, कॉर्पोरेशन नहीं आता, गलत बात है। भैया शहर विस्तार में आता है तो जमीन होती है, सात बार ऐसा होते। मैं भाई साहब, बाबू जी यही खड़े रहो, बीच में बैठा खड़े रहो। मैं एक बात कहता हूँ बाबू जी, एक बात कहता हूँ, मुझे ना तो आपसे मतलब, ना इनसे मतलब, ना इनसे लेना। भाई साहब आप बोल दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, आपको चांस दूंगा भाई साहब आपको चांस दूंगा मैं साबित कर सकता हूँ। अगर सिटी में आती है तो कॉर्पोरेशन होता ना, कॉर्पोरेशन नहीं आता, हक क्या आता है बताए? ग्राम पंचायत सर पे कौन में होता है, ग्राम में होता है या शहर में होता है? आप पूछा बताइए। हाँ मुझे ये बताना, जो पानी आ गया, पानी बहुत अच्छा आया, उसके बाद ये जो हमारी जो खेती होती है ना भैया, पानी से चली खेती होने लगी। अब मेरा गाय है, 2000 गाय का देता है मोदी सरकार। मेरे पास मकान नहीं था,
मोदी सरकार ने मकवान भी बोले, अब क्या चाहिए? सो मुफ्त में खिलाए, काम तो करना पड़ेगा ना। आपको क्या चाहिए? क्या फीकी बिजली देखा आप वाला, मतलब बच क्या होगा बताए? फीके देखा श्रीलंका वाला हो जाएगा। आपको नहीं चाहिए, हमको अपनी काम करना है, अपने बल पे करना है। या फ्री में चाहिए? फ्री में कुछ नहीं मिलता। दो बच्चे हैं अपने, जो काम करेगा वो ही पापा को अच्छा लगेगा, काम नहीं करेगा। आराम है? कोई बोलता है ना बेरोजगार है, आजा मेरी भट्टी पे, पांच दिन का 400 रुपया दूंगा। कोई बोलता है ना कि भाजी 500 ले लेना, मैं बेचता हूँ, मैं देता हूँ ना रोजगार, चलो 20 बंदों को देता हूँ। आता है कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट साहब बन रहे। आ रहा हुजूर, जवाब देना इनको, जवाब इतना दीजिएगा जितना सा पेट भर जाए, लेकिन मुझे बोलने दीजिए पहले। यहाँ बाबूजी, गुजरात का जवाब मिल गया मुझे। कहने लगा कि मुफ्त में तो कोई किसी को नहीं खिलाता, बेटा वही प्यारा होता है जो काम करता है बाप को। गुजरात में मुझे सबक मिलते जा रहे हैं, मैं सब नोट करता हूँ, रोज जाके डायरी लिखता हूँ, चैनल बहुत देखता हूँ, चैनल देखो ना देखो, लेकिन तुम्हारा एक बात भी बहुत अच्छी लगी कि भाई मेहनत करोगे तो हल मिलेगा। पानी आया और क्या आया? खेती हो गई अच्छी, मेरे घर तक ब्लॉक पहुंच गए, गटर योजना पहुंच गई। अरे हाँ, और मेरे गांव कौन सा है? दरिया, दरिया हाँ, दरिया गांव। अब आइए आप, अब अंदर किसी के मुद्दे पे आ जाओ, दरिया गांव वन बाई वन। दरिया देहात में नहीं आता, जामनगर अर्बन एरिया में आता है। जामनगर की सिटी का जो विस्तार 38 किलोमीटर था, 38 किलोमीटर जो था, 38 किलोमीटर था जामनगर का, अभी 2015 में विस्तरण हुआ 1134 किलोमीटर के स्क्वायर में। जितने भी गांव आते हैं वो जामनगर में प्रपोज में आ गए हैं, टीपी स्कीम लागू हो गई है, सब पूरा जितना फैसिलिटी मिल रहा है उनको सिटी के एरिया से मिल रहा है। आप देहात में जाओ, खेलूत की हालत क्या है, किसान क्या कर रहे हैं, पाक बीमा न मिलने से आत्महत्या कर रहे हैं। बाबू जी एक बात, बिजली नहीं मिल रही, 10 घंटे की बात कर रहे हैं, 5 घंटा बिजली नहीं मिलती। आप बाबू जी, मैं नाम आपका भूल गया, मैं नाम भूल गया, नहीं पूछा, नहीं पूछूंगा मैं आपसे आपका नाम? मेरा नाम वली मोहम्मद ब्लोच है। वली मोहम्मद साहब, आपने कहा कि वो गांव में नहीं आता, वो शहर के हिस्से में आ गया, आ गया, सही। अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ तो फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा हुआ है। बात सुनो, बात बेरोजगार की, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सही है। नहीं, उन्होंने जो बात बोली, बात सुनो, उन्होंने जो बात बोली, अपने हिसाब से भी कोई आदमी अपने घर पे ब्लॉक डाला था, अगर सिटी एरिया में नहीं आए तो उनको ब्लॉक किसने? पहले गांव में था, अब सिटी में आ गया, सिटी में पूरा, पहले गांव में था, अभी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का नाम है दरिया ग्राम पंचायत, उसका सरपंच है राजू भाई वल्लभ भाई लक्कर, बोलो क्या दिखाओ, उसका फोटो बना, बात करो। आप एक बात सुन लो, चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे इतने नहीं है, क्या कौन सा हिस्सा है बता नहीं, विकास तो गांव का भी हुआ है ना, यहाँ भी मोदी है ना, बीजेपी है ना, गांव हो या सिटी हो, विकास तो हुआ है नहीं हुआ है। वो तो पका ना, विकास हुआ ना। और दूसरी बात, आज बोल रहा है अरविंद केजरीवाल क्या देता है, दारू की छुट्टी, या हमें छुट्टी चाहिए, हमारी बेटी बहन 2 बजे, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, रात को 2 बजे, कोई भी लड़की जाइए, यहाँ पे सुरक्षित है, गुजरात में सुरक्षित से ज्यादा। अगर दारू बंदी गांधी जी के गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा दारू पिया जाता है, बेचा जाता है और पकड़ा जाता है। पूछो इनको, दड़िया गांव में से भी दारू पाना गया है। और दूसरी बात, आया 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 सर, हम हर बार पूछते हैं अगर दारू बिकता है तो आप डिटेल दो कहाँ पे है, पुलिस तैयार है, लेकिन कोई डिटेल नहीं देता है। मैं सोशल मीडिया पे भी बोलता हूँ, कोई एड्रेस नहीं देता है, सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। जितने भी बुटलेगर हैं वो सब हफ्ता दे रहे हैं, बीजेपी वाले का विकास हुआ है, किसी का और का विकास नहीं हुआ। और बेरोजगारी की बात करूं मैं, ये भाई बोल रहे हैं ना अपनी फाउंड्री पे देने, जामनगर नहीं पूरे गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान में अंदर सबसे शिक्षित बेरोजगार हैं। इधर जामनगर के अंदर इंजीनियर गाठिया बना रहा है, ये बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी का आलम यह है, युवा निराश हो गए हैं, युवा लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इंजीनियर की डिग्री लेके जो आंखें फोड़ के पढ़ाई करते हैं उनको जॉब नहीं है। चलो आओ, हाँ वो कह रहे हैं कि निराश है युवा, बहुत निराश है, युवा निराश है, रोजगार नहीं मिले तो एमपी यूपी वाले यहाँ क्या कर रहे, चटनी खाने आ रहे हैं, यहाँ काम नहीं है तो क्या चटनी बनाने आ रहे हैं? सही बात है ना, आप देख लो, मैं तो बहुत आपके जैसा, यूपी में भाई कब आई यूपी में? नहीं वो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएट करा, भाई बोले तो, भाई बोलो तो,
वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएट करने के बाद, आंख फोड़ने के बाद ग्रेजुएट किया और गाठियां बना रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? स्किल होना चाहिए ना, गाठियां बनाना भी अच्छा है। हमारे यहाँ गाठियां वाला महीने में 1 लाख कमाता है। चलो आओ तो ग्रेजुएशन बाल में जाए, ग्रेजुएशन को क्या करना है, क्या चाहिए, मतलब क्या है स्किल, मतलब क्या चाहिए आपको, पैसा ज्यादा चाहिए या कम? 10,000 में मैं किसी के व्हाइट कॉलर जॉब करूँ, उससे अच्छा तो अच्छा गाठिया बनाऊँ, महीने का 50,000 कमाता। किसी की चाकरी करूं उससे अच्छा तो है कि अपने घर में बैठ के 1 लाख रुपया गाठिया का बना लेता हूं। वाह गुजरात, वाह गुजरात, समझ में आ गया। मैं आपको खिलाऊंगा, 1 घंटे के बाद तो लाइन में वाला आएगा आपका। मेरा 1 घंटे बाद वो दिखाता हूँ ना, कौन बोल रहे भेजगा, 3 घंटे चलता है। बाजी मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, बाबूजी मैं एक ही बात कहता हूँ, बस 1 मिनट, ज्यादा लंबी बात नहीं, मैं आया एक ही बात कहता हूँ, राजनीति अब बदल गई है, सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। भाजी एक बहस है, लंबी बहस है, और गुजरात में इसका जवाब मिलता है, और वो ये है कि हमने लंबी पढ़ाई की है तो हमको उस हिसाब से जॉब मिलना चाहिए, ऑफकोर्स मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन भाजी एक बात बहुत साफ है, सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं है और सबको मिल नहीं सकती, कोई सरकार आए सबके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन स्किल क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, ईमानदारी के साथ कैसे रहना चाहिए, ये गुजरातियों से सीखना चाहिए। जी भाई नमस्ते। नमस्ते साहब, यहाँ मैं कब से खड़ा हूँ, कितनी देर हो गई क्या, माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, दो बातें बड़ी हुई, एक मजहब की बात हुई, दूसरी बात बंटवारे की भी हुई, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। क्या ये बंटवारा नरेंद्र मोदी ने आके किया 2014 से किया या गुजरात में थे तब किया? क्या जरूरत थी कश्मीर को विशेष अधिकार उस वक्त देने की जिसके लिए हम आज तक लड़ रहे हैं? ठीक है, ऐसी कौन सी आपके सामने परिस्थिति आ गई थी आपने कुछ सेक्शन लो में से उसको बाद रखा, कश्मीर में ये लागू नहीं होगा? किसने पीछे रखा, किसने अलग किया, क्यों मुख्य प्रवाह में वो लोग आने नहीं देने चाहते थे एक कौम को? हम सब जानते हैं कश्मीर का इतिहास क्यों आज नहीं लिखा है, कब से लिखा हुआ है। ठीक है, यही मेरी बात। सवाल यह है कि कश्मीर का मुद्दा भी आ गया गुजरात के चुनाव में। जनाब भैया जी, उनको तेल का डब्बा जो आज से 20 साल पहले रेट था वही रेट में चाहिए, लेकिन उनका 20 साल पहले खरीदी हुई मकान प्रॉपर्टी वो वही रेट में देंगे? वो जो उसमें तेल का डब्बा जो रेट में बढ़ा है उससे कहीं गुना तेल का डब्बा का जो परसेंटेज में रेट बढ़ा है। आपको मीडिया वालों को मैं एक विनम्र विनती करता, निवेदन करता हूँ कि ऐसी घटिया बातें जो बोलते हैं लोग, जो झूठ बात बोलते हैं, उनको ही आप सवाल करो कि तेल का डब्बा का जो 20 साल पहले जो रेट था, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी उसका कितना परसेंटेज बढ़ा है? जी जनाब आया, जवाब लूंगा भाई साहब। गुजरात का कोई जवाब नहीं, हर सवाल का जवाब है यहाँ पे गुजरात में। बोले 20 साल पहले जो तेल का डिब्बे का दाम था और आपके घर का जो दाम था उसी दाम पे लेंगे क्या? ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी उस रेट पे क्यों बेचेंगे, पागल हैं क्या? तेल का डिब्बा वो रेट में कैसे मिलेगा? तेल का डिब्बा फिर उस रेट में कैसे मिलेगा? अब वही लोग बोलते हैं कि फार्मर को रेट भी ज्यादा दो और तेल का डिब्बा सस्ते में दो, दोनों बात कैसे होगी? आदमी जो घर में रहता है उसी को नहीं, वो बेच के क्या उसका गुजरान चलाएगा? वो घर बेच के उसका गुजरान चलाएगा? हर महीने का आप गैस का आप रिफिल का भाव देख लो आप 2014 के बाद, मैं नहीं बोलता 60 साल पहले देखो आप, 1000 से ऊपर गया 400 से कितना गुना बढ़ा। तेल का दाम देख लो आप, कठोर का, सब चीज का, इवन के वेजिटेबल, दूध का 2014 से पहले क्या था? 60 साल का हिसाब नहीं बोल रहे, 8 साल का ही। कहते पगार भी बढ़ गई आपकी, कितनी पगार हुई? आदमी अफोर्ड कर सकता है? आप अपने आदमी कैमरामैन को, नहीं महंगा है, महंगा है, बहुत महंगा है, नहीं कर सकता अफोर्ड, बहुत महंगा है। भाई को पूछो इनके वहाँ जो नौकरी करता है वो। नहीं नहीं ये गलत है, इसका जो बोलना है गलत है। जो आदमी को जरूरत है, जिस आदमी को जरूरत है, जो पैसा नहीं कमा सकता है, सिलेंडर तो महंगा है। नहीं सिलेंडर महंगा है। आप मोदी साहब जो ये 2 साल तक फ्री में, तेल भी महंगा है, तेल महंगा, जो फार्मर को रेट महंगाई है, महंगाई इतनी नहीं जो ये बोल रहे है ही नहीं महंगाई, ये जो बोल रहे हैं गलत है। सब लोग को अब मोदी साहब ने एक रिक्वेस्ट दिया था कि जो लोग सब्सिडी अपने आप
विड्रॉ करना चाहते हैं, कई लोगों ने विड्रॉ कर लिया, कई लोगों ने विड्रॉ कर लिया, आप अभी भी कोई ऐसा उसको बोलो किसको चाहिए गैस फ्री में। अरे सब्सिडी पूरे देश की बंद कर दी, पूरे देश की बंद कर दी जनाब। प्रतीक जी।